राजधानी रायपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जांच और परामर्श का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। आपको बता दें कि विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मनोवैज्ञानिक और औषधि सेवा संघ गरीब बस्ती में कैंप लगाकर लोगों की सेवा करते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है, जिसके लिए मैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जो मैंने वैज्ञानिक और औषधि सेवा संघ ने इस गरीब बस्ती में मेडिकल कैंप लगाकर और लोगों की सेवा करने का जो बड़ा काम अपने हाथ में लिया है, और आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से गरीब लोग, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको मालूम ही नहीं होता, क्योंकि कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, और ऐसे कैंप लगेंगे तो वो डॉक्टर के पास आएंगे, वो उनकी बीमारी को बताएंगे तो इलाज होगा, तो उनके जीवन में खुशी आएगी। ये मनोवैज्ञानिक औषधि सेवा संस्था द्वारा 7वां से 8वां शिविर है रायपुर में। हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। हम पहले सर्वे करते हैं कि कहाँ पे शिविर की ज़रूरत है। ये संस्था लगातार ऐसे जगहों पे शिविर कर रही है जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को हम लाभ पहुँचा पाए।